हे दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया की इस सीरीज में हम भारत के शहरों के बारे में उनकी खासियत जान रहे हैं। इस सीरीज का ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक के हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हैदराबाद, द हाईटेक सिटी और सिटी ऑफ पर्ल्स। हैदराबाद के निज़ाम बाहर देशों से अपनी बेगमों के लिए पर्ल्स यानी मोती लाया करते थे। तब से ही हैदराबाद में मोतियों का एक कारोबार स्थापित हो गया है। हैदराबाद में चंदम पेट नाम की जगह पर सिर्फ मोतियों का ही काम होता है। मोतियों के कारोबार के अलावा हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। इसके अलावा हैदराबाद अपने पकवान के लिए भी मशहूर है, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी और हलीम। कालीकट, सिटी ऑफ स्पाइसेस, जिसका नया नाम है कोझीकोड। केरला का कालीकट वही शहर है जहां सदियों पहले पुर्तगाली जहाजरा वास्को डी गामा का बेड़ा रुका था और उन लोगों ने भारत जाने के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज की थी। कालीकट का नाम आज कोझीकोड कर दिया गया है। कालीकट गरम मसालों की पैदावार और पैकिंग के लिए मशहूर है। इनमें से कुछ अहम मसाले हैं काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल। अपने इन्हीं मसालों की पैदावार की वजह से कालीकट को सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। थ्रिसूर, द गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का लगभग 30% सोना सिर्फ केरला के थ्रिसूर शहर में ही पाया जाता है। सोना केरला राज्य में रेवेन्यू का बहुत ही बड़ा जरिया है और सोना वहां के लोगों को रोजगार के मौके भी देता है, इसलिए थ्रिसूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मदुरई, एथेंस ऑफ द ईस्ट और द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। तमिलनाडु के शहर मदुरई में 100 से ज्यादा मंदिर है और हर मंदिर के अलग अलग रीति रिवाज और त्यौहार है, इसलिए इस शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। इस शहर की सभ्यता और द्रविड़ियन संस्कृति लगभग 2500 साल पुरानी है, इसलिए इस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। एथेंस यूरोप का पुराना कैपिटल हुआ करता था। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।